19वीं शताब्दी में जापान द्वारा यूक्यू साम्राज्य को मिलाने से पहले यहाँ कराटे को विकसित किया गया था। जापानी और यूक्यूआंस के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के समय के दौरान 20वीं शताब्दी की प्रारंभ में इसे जापान की मुख्य भूमि में शामिल किया गया था। 1922 में जापान के शिक्षा मंत्रालय ने गिचिन फुनाकोशी को कराटे के प्रदर्शन के लिए टोक्यो आमंत्रित किया था। 1924 में केयो विश्वविद्यालय ने पहला विश्वविद्यालय कराटे क्लब की स्थापना की और 1932 तक प्रमुख जापानी विश्वविद्यालयों में कराटे क्लब खुल चुके थे। जापानी सैन्यवाद के इस बढ़ते युग में इसका नाम से परिवर्तन हुआ। जापानी शैली में युद्ध रूप को विकसित करने की जापानी अभिलाषा का संकेत देने के लिए दोनों को कराटे ही कहा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ओकिनावा संयुक्त राज्य सैनिक का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया और यहाँ तैनात सैनिकों के बीच कराटे लोकप्रिय बन गया। 1960 और 1970 के दशक के फिल्मों के चलते मार्शल आर्ट की लोकप्रियता में काफ़ी इजाफा हुआ और कराटे शब्द का प्रयोग सभी प्रहार आधारित ओरिएंटल मार्शल आर्ट का उल्लेख करने के लिए एक सामान्य तरीके की शुरुआत की गई। क्या नाम पड़ेगा? नीरज कुमार। पहले बार आप लोग का शुरुआती जो है ये कराटे से तैयारी कब का था? लगभग 6 महीने से। 6 महीना से आपकी तैयारी थी। और पहला जो है आपका कंपटीशन किस जगह पे था? वाराणसी में हुआ पहला कंपटीशन। अच्छा। और इस समय जो आप अपने हाथ में जो भी ट्रॉफी लिए है ये कहाँ से है? ये हरिद्वार से है, सेकंड कंपटीशन में। सेकंड कंपटीशन में कौन सा पोजीशन रहा? वहाँ पर गोल्ड मेडल रहा। गोल्ड मेडल। वहाँ रैंक की अगर बात किया जाए तो कौन से स्थान पे आप रैंक प्रथम स्थान? कितने लोग वहाँ उपस्थित? वहाँ लगभग 4000 बच्चे गए थे। 4000 बच्चों की संख्या में 4000 बच्चों की संख्या में जो है आप लोग को जो ये गिफ्ट दिया गया, इसमें कितने जो है आपके ये टीम से वहाँ बच्चे मौजूद थे? हमारे यहाँ से 6 बच्चे गए थे। 6? हाँ। सभी क्वालिफाई करके आए? 5 गोल्ड 1 सिल्वर था। अच्छा। पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई अभी तो मैं 10th में पढ़ रहा हूँ। 10th का ये पढ़ाई में अपना जो है अभी चल रहा है, बरकरार है। तो इसके साथ कराटे में आने का जो है जो सोच विचार था, कब से मन में आया कि कराटे में भी हमें एक आजमाइश करना चाहिए, कराटे भी सीखना चाहिए? ये जो है पढ़ाई के साथ साथ एक एम होता है, इसीलिए कराटे जो स्वस्थ हेल्थ के लिए स्वस्थ होता है। कराटे ही क्यों चुने? क्योंकि यही मतलब हमारे गाँव में सुविधाजनक था, यही ज़्यादा सुविधाजनक है, मतलब यही अच्छा लगता है। और क्या नाम पड़ेगा? सूरज कुमार। कहाँ से जीते हो? उत्तराखंड। उत्तराखंड से। पहली बार की सेकेंड बार? सेकेंड बार। सेकेंड बार वहाँ पे कंपटीशन में हिस्सा लिए। पहली बार कहाँ आपका जो? वाराणसी में। वाराणसी में। ये उत्तराखंड में कौन सा पोजीशन आया था? सेकेंड पोजीशन। सेकेंड। तो पढ़ाई कहाँ तक है? 7th। क्या बनने का सपना है मन में? हमारा सपना है अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाने का। देश के लिए गोल्ड मेडल लाने का एक जज्बा है। और ऐसे जो जो भी बच्चे हैं हमारे देश के लिए कुछ अच्छे काम करके जो है देश को जो है एक अच्छे स्तंभ पर पहुंचाने का काम करते हैं, और देश के यही बच्चे भविष्य कहा भी जाता है और हकीकत में है, जो खेलों के माध्यम से दूर देशों में भी इस भारत के सभी खिलाड़ी जो है अपना एक परचम लहराए हैं, और जहाँ तक ऐसे ही छोटे इलाके से जो है उभरते हुए खिलाड़ी जो है बड़े लेवल पर पहुँचने का काम करते हैं। और इस गाँव के कुछ बुजुर्ग लोग हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे आखिरकार ये लोग जो है इस गांव से आते हैं, इन लोग के ज़माने में ऐसा खेल तो नहीं देखने को मिला था लेकिन इस ज़माने में देखने को मिल रहा है। जी। कैसा लग रहा है ये बच्चों को? ठीक है, ठीक है। ठीक लग रहा है जी। आप लोग के समय में ऐसा खेल तो नहीं दिखता होगा? नहीं। आप लोग के समय में कुछ अलग ही कोई खेल था, कुश्ती तो ज़्यादा मशहूर था। हाँ, लेकिन ये नहीं था। नहीं था। बच्चों को जब आपके क्षेत्र के बच्चे आपके गाँव के ही बच्चे हैं? ठीक है, खेलते हैं, बढ़िया। ठीक है। कैसा लग रहा है आपके ही गांव के बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। करते हैं, सपोर्ट करते हैं कैसे? हम लोग सपोर्ट करते हैं कि जाओ खेलो। अच्छा। सपोर्ट आप लोग का रहता है? पढ़ा लिखा जाए और खूब ढंग से कर जाए। अच्छा, बताइए कुछ लोग जो है अभी सेकेंड जगह पे जाके कोई उत्तराखंड से कोई वाराणसी से जो है अपना जीत करके जो है खिताब लाए हैं, अपना जो है एक मनोबल जो है इस गांव का भी बढ़ाए हैं, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। कहीं सोच ऐसा होता है कि बच्चे जो तैयारी करते हैं कहीं ना कहीं ये क्षेत्र का नाम, जिले का नाम रोशन करे? ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो इन बच्चों को कितना जो है देखभाल करना चाहिए और बच्चों को जो है कितना सपोर्ट करना चाहिए, अपना एक सुझाव क्या? हाँ हाँ, हम लोग से ये सपोर्ट बा कि नहीं भाई खूब खेल जा, कूदा जाए, पढ़ा जाए, लिखा जाए।
जब ये लोग अपना जो भी कार्य में अपना मन लगाएंगे उस कार्य में अगर सफलता पाएंगे तो खुशियाँ अपार ही। हम सपोर्ट देंगे, जरूर मदद देंगे। देखने को मिलता है कि पहले के समय में तो लोग कहा जाए तो बहुत पैसे की अभाव थी, लोग के पास खाने का भी उतना व्यवस्था नहीं था, लोग दूसरे का जो है खेती बाड़ी करते थे, बैल हाँकते थे। लेकिन अब जो है फ्री हो गया है कि लोग जो है स्वतंत्र रूप से घर बैठे पढ़ सकते हैं, और इस समय में बच्चों को सुविधाएँ अगर दिया जाए तो पढ़ने के लिए पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा जो है सुविधा है। तो इस समय आप लोग बच्चों को कितना फोकस करते हैं? खूब हम लोग एकदम जरूरी लगा करके मदद करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि आप लोग के ज़माने में वो अवसर नहीं मिल पाया, ऐसे बच्चों के ज़माने में जब अवसर मिलता है तो इन्हें जो है उस अवसर को जो है एक अच्छे तरीके से जो है इनको लाभ दिया जाए हाँ, ताकि पूरे क्षेत्र, जिले, पूरे स्टेट का नाम रोशन करें। ठीक है साहब, ये तो बिल्कुल सही बात है। बुढ़ापे में ऐसे बच्चों का हुनर देख कर मन में कैसा खुशियाँ दौड़ रही है? खूब खुशियाँ होते हैं, लड़का पढ़ों सा या खेलों सा, खूब अभी मदद जो करना है हम ये कर सकेंगे उन्हें अपना तरफ से। साथियों मैं बता दूं कि जो अच्छा नेक काम करता है तो उनका गुणगान होता ही है, और इस तरह से जो है काम करने वाले जो भी बच्चे होते हैं ये देश के भविष्य हैं, और इनको जो है हर जगह पे देखा जाए तो एक सपोर्ट की बात किया जाए तो सपोर्ट मिलना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चों को सपोर्ट न मिलने से जो है वो अपने जो एम होता है उसको जो है नहीं कवर कर पाते हैं, उसे जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि किसी न किसी को जो है उस जगह पर उस मुकाम को करने के लिए एक दूसरे का जो है अपने माता पिता का भी कहा जाए तो सपोर्ट की जरूरत होती है। और इस जो है बच्चों को जो है जहां तक फ्री में जो मुफ्त में कहा जाए तो जो ट्रेनिंग कराते हैं मुकेश कुमार हैं, इनसे भी कुछ बात करेंगे। जैसे कि कितने दिन से आप इन लोगों को सिखा रहे हैं? दो साल हो गया। दो साल से आपके टीम में कहाँ कहाँ ये लोग जो है क्वालिफाई किए हैं? सर ये लोग तो कई जगह गेम खेल चुके हैं, पहले तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, उसके बाद नेशनल लेवल। एक ख्वाब होता है कि जिन बच्चों को सिखाया जाए फ्री में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो बच्चों को करा रहे हैं, आपने कहा कि हमने कई सीखा उसके बाद इन लोगों को सिखाने का प्रयास किया। बहुत लोग ऐसा समय नहीं देते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि क्यों दें, लेकिन जो ये अपना सोच विचार है इस तरह से बच्चों को भविष्य में जो आप समय निकाल रहे हैं, तो कब से ऐसे जो है बच्चों के साथ जुड़कर इस कार्य में लगने का विचार आया? सर हम जाते थे वो सीखने के लिए तो वहाँ पर कुछ लड़के आते थे तो उसमें हम भी सीखते थे, तो सीखते सीखते हम भी मतलब कई जगह मेडल ऑर्डर मारे और ब्लैक बेल्ट प्राप्त किया। उसके बाद हम भी सोचे कि जो हमारे पहले गुरु थे वो हमको खुद फ्री में सिखाते थे। एक चीज़ आपने बताया कि ब्लैक बेल्ट प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या है? ब्लैक बेल्ट मतलब मास्टर डिग्री होता है। मास्टर डिग्री, यस। मैं आपको बता दूं जो भी दर्शक नहीं जानते होंगे उनको एक बार अवगत कराना चाहेंगे, जो अभी येलो बेल्ट का मतलब क्या है? येलो बेल्ट जैसे पहले आता है व्हाइट बेल्ट। अच्छा पहला व्हाइट बेल्ट, यस पहला क्लास हो गया, यानी कि फर्स्ट क्लास, यस। सेकंड पे ये आता है येलो बेल्ट, सेकंड पे येलो, यस। उसके बाद वो ऑरेंज बेल्ट आता है, उसके बाद ग्रीन। ऐसे ही मतलब स्टेप बाय स्टेप कलर चेंज होता रहता है। और ये मास्टर के लिए ये ब्लैक बेल्ट को जो है माना जाता है, यस। ये जो है मास्टर यानी कि परिपूर्ण हो गए, आप जो है सबका मास्टर हो गए, यस सर। तो इन बच्चों में अगर देखा जाए तो काफ़ी जो है येलो और ऑरेंज के दिख रहे हैं, सब व्हाइट तो एक ही कोई बच्ची उधर है तो नहीं है ना, इसीलिए, यस सर। मतलब सब लोग सेकेंड थर्ड श्रेणी में है, यस सर। प्रथम में एक ही है? नहीं, कोई लोग हैं लेकिन वो लोग फिलहाल में यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं अभी, नहीं है, यस सर। ये ख्वाब होता है कि इन बच्चों को जो है भविष्य संवारने के साथ साथ कहाँ तक ले जाए, कहाँ खेल कराएं, किस जगह पे कंपटीशन कराएं, ये सोच कहाँ है, किस देश से और किस स्टेट से जो है इनका कंपटीशन कराने का ख्वाब रखे हैं? सर हमारा तो ख्वाब ये है कि ये लोग इंटरनेशनल खेलें, और कुछ लड़के इसमें हैं जो हम उन लोगों को MM मिक्स मार्शल आर्ट तैयारी करा रहे हैं। अच्छा। जो कि ये लोग जाकर मिक्स मार्शल आर्ट गेम खेल सकें और मेडल ला सकें, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें और अपने स्थान का नाम रोशन करें। जैसे कि इन लोग में घर के माता पिता से एक राय लेना भी पड़ता होगा, क्योंकि एक दो दिन तो कोई भेजता है, कहा जाता है कि फ्री में किसी को कुछ भी दिया जाता है तो कुछ पल के लिए वो लोग ग्रहण करते हैं लेकिन बाद में उसका वैल्यू नहीं समझते हैं। नहीं सर, कुछ लड़के ऐसे किए हैं लेकिन कुछ लड़के हैं जो कि कंटिन्यू आ रहे हैं, सीख रहे हैं, यस सर। तो दो तीन दिन आते हैं, सीखते हैं, फिर उन लोगों के माता पिता के यहाँ फ़ोन करके और पूछा जाता है कि आपका लड़का सीखेगा या नहीं सीखेगा, तो वो लोग बताते हैं कि हाँ हमारा लड़का सीखेगा, तो तब उसके आगे ड्रेस व्रेस खरीदवाया जाता है। कंटिन्यूटी गर्ल्स दो लोग ही तीन लोग हैं, ये लोग कहीं कंपटीशन किए हैं कि नहीं?
जो दो लड़के हैं वो लोग तो नहीं गए हैं, कैसे बोला अभी नहीं है। और सीटी सहानी है वो गेम खेली है, कहाँ जैसे यहाँ खेली है बलिया, जैसे डिस्ट्रिक्ट खेली है, स्टेट खेली है, नेशनल भी खेली है। चलिए उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है? निशा। निशा, कराटे कितने दिन से सीख रही है? अभी तो 5-6 दिन हो। 5-6 दिन नहीं है? हाँ, क्यों कराटे सीखने का विचार आया? क्योंकि हम भी मतलब कि अपने देश के लिए जीतना चाहते हैं। अपने देश के लिए अपना कुछ, सब लोग बेनिफिट सोचते हैं कि हमारा जो है कुछ इससे लाभ हो, तो अपना लाभ के लिए इस कराटे में क्या कुछ नहीं दिखता है? दिखता है, जैसे अगर हम सीखे रहेंगे तो मतलब बहुत काम आ सकते हैं। आजकल के लड़के जैसे कुछ बोल चाल चैन छेड़। पढ़ाई कहाँ तक है? अभी तो 12th में एडमिशन हुआ। अपना क्या नाम है? पिंकी भारती। कितने दिन से ट्रेनिंग में है? हम 1 महीने से ज्वाइन किए हैं एकेडमी को। 1 महीने से। कराटे में क्या क्या सीखे हैं? अभी तो नॉर्मली 1-5 सब यही सीख रहे हैं, अभी मतलब उतना बढ़िया नहीं सीखे हैं, थोड़ा थोड़ा। पढ़ाई कहाँ तक है अपना? ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA सेकेंड ईयर। BA सेकेंड ईयर है, ग्रेजुएशन कर रही हैं। ग्रेजुएशन करने वाली गर्ल्स भी हैं इसमें, इंटर में भी पढ़ाई करने वाली, ऐसे जो है जो भी अपना पढ़ाई का सिलसिला है वो बरकरार है, लेकिन इस कराटे में भी आने का जो इन लोग का एक एम है उसको भी क्वालिफाई कर रही हैं, जहाँ तक इन लोग का सोच विचार है। तो क्या एक ख्वाब है कि हमें आगे चलकर इस खेल के मकसद से क्या पाना है? मैं मतलब अलग देश में जैसे जाकर के मतलब अलग कंट्री में जाकर खेलना है अपने देश के लिए। क्या नाम है? स्वीटी साहनी। स्वीटी साहनी, हाँ। नाम तो प्यारा है। किस क्लास में हो? 8। 8 में, हाँ। 8 में क्लास में हो और इस येलो अपना बेल्ट है, सेकेंड श्रेणी में हो, हाँ। कब से जो है इस ट्रेनिंग में सीख रहे हो? 8 महीने। 8 महीने। 8 महीने से, हाँ। कहीं कंपटीशन में भाग लिए हो? मुंबई, बनारस। मुंबई तक सफर? कौन से जो है लेवल वहाँ हुआ था? फर्स्ट लेवल। कौन से जो है जगह से, कहाँ से जो स्पोर्ट के जो वहाँ पे खिलाड़ी थे जो कंपटीशन के दौरान? बहुत जगह से आए थे। आपका सामना किस जगह से हुआ था, कौन से जगह के जो खिलाड़ी थे? मुंबई के लड़कियों से। मुंबई के, हाँ। तो क्या जीत कलाई हो वहाँ से? गोल्ड मेडल। अरे वाह, अच्छा बात है, गोल्ड मेडल। इतने जो है छोटी सी जो है कद और छोटी सी, अभी 8वीं क्लास में पढ़ रही है स्वीटी साहनी, और जितना कहा जाए कि छोट देखने में, लेकिन इनका जो है जज्बा जो है इतना बड़ा है कि मुंबई से गोल्ड मेडल बताई हो ना, हाँ। मुंबई से गोल्ड मेडल जीत कर अपने देहात क्षेत्र में लाई है। कितने बार जो है कंपटीशन में हिस्सा लिए हो? दो बार, हाँ। पहला कहाँ? पहला मुंबई, फिर दूसरा बनारस। अच्छा, दूसरा बनारस। अपना क्या एक मम्मी पापा का विचार है कि हमारी बिटिया क्या बनेगी, और बिटिया का क्या विचार है कि हम क्या बनेंगे? हम चाहते हैं कि हम भारत के लिए गोल्ड मेडल लाएं। अच्छा, और मम्मी पापा क्या चाहते हैं? और वो चाहते हैं कि मेरी बेटी सीखे और वो कुछ करे हम लोगों के लिए। अच्छा, जो भी आप सीखना चाहती हैं, आपके माता पिता जो है चाहते हैं कि उस खेल को जो है आप सीखे और उसमें जो है रुचि रखें, हाँ। जो भी क्षेत्र में बच्चे तैयारी करते हैं उनके मनोबल को बढ़ाया जाए, ताकि ये अगर अपने हौसला को रखेंगे तो हमारे देश के लिए बहुत कुछ अच्छा जो है काम करके दिखाएंगे, जिससे हमारा भारत देश और अग्रसर होगा। जो सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत देश को, आज भी सोने की चिड़िया कहा जाएगा जब अच्छे जो है ऐसे बच्चों की तरह से जो है खेल प्रदर्शन होगा, अच्छे क्षेत्रों में जो है एक विकास की अलख जगेगी और हर क्षेत्रों में एक दूसरे का जो है मदद होगा। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। वी न्यूज़ इंडिया के साथ विमलेश कुमार, फिर अपना कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा इन बच्चों का, जो भी जो ये खेल से जुड़ाव है, जो भी इनका जो है एक एम है, कैसा लगा। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना है। जय हिंद।